ठोकर लगने के बाद हर किसी को अकल आ ही जाती है, किसी किसी को नहीं भी आती, होते हैं कुछ ऐसे मानुस। दोस्तों आपने कभी ना कभी Amazon, Flipkart या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ ना कुछ तो जरूर मंगवाया ही होगा, क्योंकि हम आज के टाइम पे ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसी के अंदर हमें घर बैठे बैठे हमारी सारी सर्विसेज मिल जाती है और हमारा मनपसंद चीज और या कोई भी सामान मिल जाता है बहुत ही इजीली। तो जो अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो सेल आई थी, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट थी Amazon की, और दोस्तों इसी सेल से हमारे एक दोस्त ने यहाँ पर मंगवाया था आईफोन 11, जो कि उसने बहुत ही बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के, आईफोन 11 भाई किडनी के बराबर होता है, तो उस भाई साहब ने ये फोन मंगवाया और उनके साथ क्या हुआ वो आप इस वीडियो में देखिए। अब मैंने इस बॉक्स को ओपन किया, यहाँ पर मेरे को इसके अंदर डिवाइस मिला, इसके ऊपर ये देखो कैसे गंदे टेम्पर्ड चढ़े हुए हैं। ये अमेजोन से मंगाया था मैंने, जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का दिवाली का जो इनका ऑफर चल रहा है। सस्ता सामान होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई महंगी चीज अगर हम मंगवा रहे हैं, लैपटॉप है या फिर मोबाइल फोन है जो कि आजकल बहुत महंगे हैं, और एक मोबाइल फोन अगर एक बंदा मंगवाता है उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा हार्ड अर्न मनी होती है जो कि बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या हम कर सकते हैं ऐसी चीजों से बचने के लिए कि हमारी जो हार्ड अर्न मनी जो है वो कोई और ना लूट के खाए। तो ये देखो मैं अपना एड्रेस वगैरह इसमें नहीं छुपाऊंगा, जो एड्रेस आप देख लो। तो अमेजोन से मैंने मंगाया था ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे आईफोन 11 मैंने ऑर्डर किया था, और इन्होंने मेरे को जो सेंड किया वो भेजा एक क्लोन डिवाइस। तो ये देखो मैंने पैकेट पूरा है, इसमें मैं अपना कोई एड्रेस वगैरह नहीं छुपा रहा, सब दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो। और इसी मैंने सारा इसका जो ऑर्डर आईडी था सब कुछ, और मैंने वीडियो बना लिया था ये जब मेरे को डिलीवर्ड करके गया उसके बाद मैं वीडियो बनाया मैंने इसको। तो यहाँ पर मैंने रैपर को ओपन किया, तो इसके बाद आप पूरी वीडियो देखो। पहले जैसे ये वीडियो स्टार्ट हुआ, यहाँ पर मैं अपना आईफोन का बॉक्स निकाला। अब मैंने इसकी पैकेजिंग देखी तो बहुत ही डिफरेंट थी, जो आईफोन के अंदर इस तरह की पैकेजिंग नहीं होती। इसका बॉक्स देखो ब्लैक कलर का बिल्कुल अलग है, और मैंने 64 GB करा था, ये देखो 256 GB का मेरे को मिला है, लेकिन मैंने जो ऑर्डर किया था वो किया था 64 GB का, जो अगर स्टार्टिंग में किसी ने पढ़ा तो वहाँ लिखा भी हुआ है। मैं बिल भी डालूंगा अभी इसके अंदर, बिल भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो ये पैकेजिंग भी देखो किसी ने खुद ही कर रखी है, सब कुछ खुला पड़ा है, पैकेज है ही नहीं और पैकेज ऑलरेडी ओपनड हो रखा है, और उसके बाद ये सारा सीन है। और यहाँ पर देखो इसका बॉक्स देखो कैसे निशान निशान पड़े हुए बॉक्स में, जैसे किसी ने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है इस फ़ोन को, क्योंकि ये क्लोन डिवाइस है। अब मैंने इस बॉक्स को ओपन किया, यहाँ पर मेरे को इसके अंदर डिवाइस मिला, इसके ऊपर ये देखो कैसे गंदे टेम्पर्ड चढ़े हुए हैं। ये अमेजोन से मंगाया था मैंने, जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का दिवाली का जो इनका ऑफर चल रहा है 16 तारीख को मंगाया था। अब ये देखो आईफोन 11 के अंदर ये किस तरीके का एक रैपर लगा है 5G KK नेटवर्क, जो होता नहीं है। ये कोई भी अगर डिवाइस आप आईफोन का लेते हो तो इस तरीके का कोई भी स्टिकर्स नहीं चिपका होता उसके पीछे, और यहाँ पर दो दो टेम्पर्ड लगे होते, और ये कुछ इसके अंदर जो एसेसरीज वगैरह जो आती है ये एसेसरीज वो है, जो इसका चार्जर है जो इसी तरीके से नॉर्मल रखे हुए थे इसके अंदर। और इसमें ये रैपर है, ये रैपर जो है ये मैंने हटाया क्योंकि ऐसा कोई रैपर होता नहीं, और उसके जो कैमरा के पास थे वहाँ पे एक बहुत बड़ा निशान था, मतलब ये देखो मैं यहाँ छू रहा हूँ ना यहाँ पर इस पर निशान है, ये भी मैं दिखाऊंगा जूम करके। और यहाँ पर टेम्पर्ड चढ़े हुए थे, जो कोई टेम्पर्ड आईफोन के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप जब नया डिवाइस मंगाते हो तो उसके अंदर टेम्पर्ड होता है, लेकिन इसके अंदर मिला टेम्पर्ड, एक टेम्पर्ड चढ़ा रखा है किसी ने, उसके अलावा एक और टेम्पर्ड इसके ऊपर चढ़ा रखा है किसी ने, दो टेम्पर्ड चढ़ा रखे इसके ऊपर, एक टेम्पर्ड के अलावा दूसरा एक और टेम्पर्ड इसके अंदर चढ़ा रखा, दो टेम्पर्ड चढ़ा दिया ये। अब यहाँ पे जो अगर जिनको पता हो स्टार्टिंग के अंदर हम फ़ोन को ऑन करते हैं, आईफोन को कोई भी आईफोन लोगे तो उसमें सेटअप आता है, आप सेटअप वगैरह करते हो और तब आईफोन स्टार्ट होता है, आईडी वगैरह मांगता है, तब वहाँ पर वो लॉगिन होता है स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ये डिवाइस पर, अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम बटन पे भी निशान देखो ये निकला इसके अंदर से, मतलब भाई कितना गलती फ्रॉड करा बंदों ने, और भाई क्लोन डिवाइस भेजा बिल्कुल क्लोन डिवाइस। तो ये अमेजोन से मैंने मंगाया, तो भाई मैं तो बोलूँगा भाई जो जो बंदा है मेरे को अभी तक इसका मनी रिटर्न बैक ही नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है, जो मैंने यार इतने टाइम बाद मतलब यार कैसे पैसे जोड़ के भाई मैंने लिया था, और ये डिवाइस पहले से ऑलरेडी चालू है, पहले से एक यूज डिवाइस। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ बॉक्स, जो मैंने दिखाया था 256 GB का, मैंने 64 GB का ऑर्डर किया था, इन्होंने भेजा 256 GB का क्लोन डिवाइस। तो भाई ये मैंने मंगाया था अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो भाई इतना गंदा फ्रॉड किया, और उसके बाद भाई मनी रिटर्न के नाम पे तो भाई अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। दो बार इनका पिकअप वाला बंदा आ चुका है लेने के, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनको ये चीज़ पता लग चुकी है ये क्लोन डिवाइस है। क्लोन डिवाइस का नाम सुनते ही भाई वो इसको पिक करके रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं। अब देखो ये बंदा रिटर्न करने के लिए आया था, ये बंदा सामने खड़ा है मेरे पास, कल आया था, मतलब 18 तारीख को आया था, आज 19 तारीख है, और ये बंदा कल आया था, और मैंने इसको दिया था क्योंकि मेरा रिटर्न वापस लेके जा रहा था। ये देखो मैं बाहर निकला, मैंने इसको जस्ट बोला कि ले भाई अपना पैकेट ले और इसको लेके जा,
और मेरा मनी रिटर्न कब आएगा मुझे बताइए। आया, इसने बॉक्स ओपन करा, अपने सीनियर से बात करी और उसके बाद इस बंदे ने सीधा ले लाने से मना कर दिया कि ये क्लोन डिवाइस है, और ये चला गया। और ये देखो, ये सारी पिक्स वगैरह में डालो, ये इनका बिल वगैरह है, तो मैं कुछ हाइड नहीं कर रहा, सब कुछ एड्रेस एड्रेस सब कुछ दिखा रहा हूँ, क्योंकि हाइड करने कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई इतना बड़ा फ्रॉड। तो भाई अमेज़न भाई इतना गंदा वाला फ्रॉड करा कि भाई मनी रिटर्न तो भाई मिल ही नहीं रही है। और भाई कितने लोगों के साथ हुआ होगा पता नहीं मेरे को, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ हुआ ही होगा यार ये फ्रॉड, कि जो लोग भी अमेज़न से मंगाते हैं भाई प्रोडक्ट मंगाना छोड़ दो, मेरा मनी रिटर्न मेरे को अभी तक नहीं मिला है भाई। देखो फीचर मिलता है कि नहीं मिलता। तो भाई पहली बात तो भाई वीडियो को इतना शेयर कर दो ना भाई कि जो जो अमेज़न से गलती से ही भाई फोन मंगाने सोच रहा था वो भाई बिल्कुल मंगाना भूल जाए। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन भाई साहब ने जो किया वीडियो बना के बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक फोन इन्होंने सबसे बेस्ट काम किया है, क्योंकि इनके पास सॉलिड प्रूफ है कि इनको जो फोन मिला है वो फ्रॉड फोन मिला है, इनको क्लोन फोन मिला है, इनको बढ़िया फोन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और इन्हीं सबूतों के बिहाफ पे इनको इनका जो रिफंड है वो मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, और अभी थोड़े दिन कुछ प्रोसीजर चलेंगे लेकिन इनका पैसा जो है वो इनको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऐसी वीडियो अगर हम कभी कभी होता है कि जैसे हम कोई नया फोन मंगाते हैं तो हमारी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि हम उसे फटाफट उसे खोलते हैं और हम हमारा फोन देखने की कोशिश करते हैं, और एक्साइटमेंट है सबकी होती है। मेरा जब पहला नया फोन आया तो मेरी भी ऐसी ही एक्साइटमेंट थी, लेकिन अब मुझे जैसे पता चलने लगा कि ऑनलाइन फ्रॉड में क्या क्या हो सकता है, तो मैं अपनी जितनी भी वीडियोज बना लेता हूँ जो भी मैं कोई ऑनलाइन सामान मंगवाता हूँ तो। और दोस्तों इससे हमारे एक बेनिफिट हो जाता है कि हमारे पास एक प्रूफ हो जाता है कि कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, कि बाद में कंपनी ये ना क्लेम करे कि जी हमने तो जी सही सामान भेजा था लेकिन इन्होंने चीटिंग की है, इन्होंने जानबूझ के हमारे ऊपर क्लेम डाला है कि हमें गलत सामान मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि ट्रस्ट तो आजकल किसी पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद ही देख लिया होगा कि जो अमेज़न है वो इंडिया की सबसे टॉप रेटेड है, कि जिस पे सबसे ज्यादा लेन देन होता है, जितने सबसे ज्यादा सामान डिलीवर होता है। अगर दोस्तों अमेज़न फ्रॉड कर सकता है तो हम ट्रस्ट किस पे करें? तो उसके लिए हमें कोई भी चीज हम मंगवाते तो उसकी वीडियो बनानी बहुत ज्यादा कंपलसरी है, और फिर बाद में चिड़िया चुग गई खेत तो क्या कर सकते हैं भाई। मैं आपको सिर्फ इतना ही सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी चीज मंगवाओ तो उसकी एक वीडियो जरूर बना ले अपने प्रूफ और सबूत के लिए। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ और नए फैक्ट्स के साथ।